सलाम अलैकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझ्या माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण इयत्ता सातवी विषय मराठी संयुक्त अभ्यासणार आहोत. यामधील पाठ दुसरे तू हे करू शकतेस, ये पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इसका मतलब तू है करू शक्तिस, मतलब तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट. तो सबसे पहले हम अपने अपनी मराठी की किताबें और एक एक पेंसिल निकाल लेते हैं, ताकि जब आपको शब्दार्थ समझाया जाए बताया जाए तो आप अपनी किताबों में पेंसिल से नोट डाउन करेंगे. तो चला विद्यार्थियों, पान क्रमांक दोन, पेज नंबर टू, लेसन नंबर टू. हाँ, प्रस्तुत पाठातील धनंजय नावाचा मुलगा नेहमी दुसऱ्यांना मदत करायचा, पण त्या मदतीच्या मोबदल्यात काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा ठेवायचा. तो इस पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि एक धनंजय नाम का लड़का था, वो हमेशा दूसरों की मदद किया करता था. ठीक है, यहां तक ठीक है, लेकिन वो मदद लेने वाले से कोई दूसरे चीज की अपेक्षा भी करता था, तवक्को भी करता, जो अच्छी बात नहीं है. त्याचे हे वागणे कसे चुकीचे आहे, हे त्याच्या आजीने व बहिणीने आपल्या वर्तनातून त्याला पटवून दिले. और धनंजय का ये वर्तन, ऐसा बिहेवियर, ये कैसा गलत है, ये साबित करने के लिए धनंजयची आजी आणि त्याची लहान बहीण, धनंजय की दादी और उसकी छोटी बहन, उसे एक अच्छा उदाहरण देकर उसे समझाते हैं कि ये तेरा बिहेवियर, ये तेरा वर्तन ठीक नहीं है. आत्मविश्वास व चिकाटी हे गुण सतत नवनवे शिकण्यासाठी आवश्यक असतात, हे या पाठे दर्शविले आहे. इसके अलावा इस पाठ में बताया गया है कि आत्मविश्वास और चिकाटी, आत्मविश्वास मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और चिकाटी मंजे मतलब कि कोई काम कर गुजरने की दिल से इच्छा होना, उसे कहते हैं चिकाटी. तो कौनता ही काम मुकम्मल करने के लिए, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आत्मविश्वास और चिकाटी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, ये भी इस पाठ में हमें बोध दिया है. तो पाठ की शुरुआत करते हैं. पहला उतारा, आज दिशा आणि धनंजय खूप आनंदात होते, कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती. गावाहून येताना आजी नेहमी मुलांसाठी घरी बनलेला खाऊ, शेतातली फळे घेऊन यायची, त्यांना आवडणारे पदार्थ बनवून खाऊ घालायची, त्यांचे खूप गोड कौतुक करायची. तर विद्यार्थ्यांनो, सर्वात पहिले आपण शब्दार्थ बघू. आनंदा मतलब खुशी, दोन आजी, आजी मतलब होती है दादी, तीन शेत, शेत मतलब खेत, चार कोड कौतुक, कोड कौतुक मतलब लाड़ करना, प्यार करना, कोड कौतुक करने म्हणजे प्रेम करने, लाड़ करने, लाड़ पुरविणे. इस वाक प्रचार का हम वाक्य में उपयोग करते हैं मराठी में. आजी आपल्या नातवंडाचे कोड कौतुक करते, देखिए वाक्यों में उपयोग हो गया कि दादी अपने पोतों का लाड़ करती है, कोड़ कौतुक करती है. पुढ़ पांच नियमित, नियमित मतलब बाकायदा. तो इसमें, इस कथा में, इस पाठ में दो बच्चे हैं, एक धनंजय और उसकी छोटी बहन दिशा. तो धनंजय और दिशा आज बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उनकी आजी आज गांव से लौटने वाली है.
गांव से आते ही उनकी आजी उनके लिए बहुत सारा खाऊ लेके आती। खाऊ मतलब खाने की चीजें, और खेत के उनके खेत के फल भी लेके आती है। और इतना ही नहीं, घर आने के बाद बच्चों के पसंदीदा पकवान बनाकर बच्चों को आजी खिलाती है, और बच्चों को बच्चों का बहुत लाड़ यानी कोड़ कौतुक करती है। इसलिए बच्चे बहुत खुश थे कि उनकी आजी आज गांव से आ रही थी। दूसरा उतारा, धनंजय अभ्यासात खूब हुशार होता तो नियमित अभ्यास करायचा, सगळ्या उपक्रमांमध्ये स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायचा, वर्गात दिलेले प्रकल्प पूर्ण करायचा। तो धनंजय बहुत होशियार लड़का था। तो शब्दार्थ भी देख लेते हैं, उपक्रम, उपक्रम मतलब सरगर्मी, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं अंग्रेजी में। साथ स्पर्धा, स्पर्धा मतलब मुकाबला या कंपटीशन। आठ प्रकल्प, प्रकल्प मतलब मंसूबा, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोजेक्ट कहते हैं। तो धनंजय बहुत होशियार लड़का है और वो नियमित अभ्यास करता है, पढ़ाई भी करता है, और सभी उपक्रमों स्पर्धाओं में भी वो हिस्सा लेता है, और स्कूल के तरफ से दिए गए प्रोजेक्ट यानी प्रकल्प वो अच्छे से समय पर पूरा करता है। नेक्स्ट, संगणक व विविध पुस्तकांच्या मदतीने तो वैविध्यपूर्ण माहिती तसे चित्रेही मिळवायचा, तो नेहमी दिशाला तिच्या शाळेच्या कामात मदत करायचा। हा, और धनंजय बहुत होशियार लड़का है, उसे संगणक, हाँ मिनी देख लेते संगणक का, संगणक मतलब बच्चों होता है कंप्यूटर, और वैविध्यपूर्ण, वैविध्यपूर्ण मतलब अलग अलग वेरियस। तो धनंजय अपना प्रकल्प पूरा करने में संगणक और अलग अलग किताबों की मदद करता, मदद लेता था, उससे उसका प्रोजेक्ट, उसका प्रकल्प बहुत अच्छे से खूबसूरती से मुकम्मल होता था, और अपना काम वो खुद ही करता था, साथ में अपनी बहन, छोटी बहन दिशा का अभ्यास में, पढ़ाई में वो भी मदद किया करता था। लेकिन पण केलेल्या मदतीच्या बदल्यात तिच्याकडून काहीतरी घ्यायचा, लेकिन अपेक्षा भी किया करता था। वो अपनी बहन की मदद तो करता था, लेकिन उस मदद के बदले में वो अपने बहन से कोई चीज मांगा भी करता था। शाळेतही त्याला कोणी मदत मागितली तर त्या बदल्यात तो मदत मागणाऱ्याकडून अपेक्षा करायचा। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब म्हणजे तवक्को करना, कोई चीज की उम्मीद करना। वैसे ही स्कूल में भी धनंजय अपने दोस्तों की मदद तो करता था, लेकिन उनसे भी किसी चीज की वो अपेक्षा किया करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, एके दिवशी दिशाला विज्ञान प्रकल्प पूर्ण करायचा होता, तिने धनंजयची मदत मागितली, त्या बदल्यात त्याने तिच्या जेवणाचा नवा डबा मागितला। एक दिन क्या होता है कि दिशा को साइंस प्रोजेक्ट, विज्ञान प्रकल्प, विज्ञान मतलब साइंस और प्रकल्प मतलब यानी प्रोजेक्ट, मंसूबा। एक दिन क्या होता है, दिशा को स्कूल से साइंस प्रोजेक्ट यानी विज्ञान प्रकल्प मिलता है, और दिशा उस प्रकल्प पूरा करने में अपने भाई धनंजय की मदद मांगती है, लेकिन धनंजय साफ इनकार कर देता है। क्यों इनकार करता है? वो कहता है कि मैं प्रकल्प करने में, प्रकल्प पूर्ण करने में तेरी सहायता करूंगा, लेकिन तुझे तेरा न्यू टिफिन यानी नया खाने का डिब्बा मुझे देना पड़ेगा। अब देखते हैं दिशा क्या कहती है।
तिने नकार दिला, वो नकार देती है। तेव्हा तो दिशाला म्हणाला, ठीक आहे मग एकटीच प्रकल्प पूर्ण कर, मी चाललो खेळायला। क्या करता है वीरू? वो कहता है, ठीक है अगर तू मुझे अपना टिफिन नहीं देती है तो मैं तेरी मदद नहीं करूंगा, तू एकटी, एकटी मतलब अकेली, अकेले ही तू अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर, मैं जा रहा हूं खेलने। आगे क्या होता देखते हैं। त्याला माहित होते कि आपली छोटी बहीण आपल्याशिवाय प्रकल्प पूर्ण करू शकणार नाही। उसे पता था धनंजय को कि अपनी छोटी बहन दिशा मेरे बगैर, धनंजय के बगैर प्रकल्प पूरा नहीं कर सकती है। धनंजय चे बोलणे ऐकून तिच्या आठवड्यात, दिशाच्या आठवड्यात पाणी आले। आजी सोप्यावर बसून हे पाहत होती और धनंजय का ऐसा बिहेवियर, कठोर वर्तन देखकर दिशा की आंखों में आंसू आ गए। डोड़ा, डोड़ात अश्रु येणे मतलब आंखों में पानी आना। डोड़ा, डोड़ा मतलब बच्चों आंख। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू। फिर उसके बाद देखते क्या होता है। और आजी सोफे पे बैठे थे, वो इन दोनों बच्चों की बातचीत सुन रही है और फिर वो क्या बोलती है देखिए। दिशा से आजी बोलती है, आजी मनाली, दिशा तू दुसऱ्यांवर विसंबून राहत जाऊ नकोस, धनु स्वतःची कामे स्वतः करतो म्हणून त्याच्यात आत्मविश्वास आहे, तुलाही तुझ्यातील क्षमतांवर विश्वास ठेवायला पाहिजे, चल मी तुला प्रकल्प सुरू करायला मदत करते। शब्दार्थ बघा, विसंबून राहणे मतलब मुअस्सिर होना, मुअस्सिर रहना, डिपेंड होना। अब विसंबून राहणे ये भी एक वाक् प्रचार है, तो हम इस वाक् प्रचार को मराठी में इसका उपयोग करते हैं। मराठी भाषा में बाळ आपल्या आईवर विसंबून राहतो, बच्चा अपनी माँ के ऊपर विसंबून रहता है। पुढे 16 आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब खुद इत्मादी मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। 17 क्षमता, क्षमता मतलब मदाहियत, काबिलियत। तो आगे चलते हम, फिर आजी दिशा को समझाती है कि देखो दिशा तुम दूसरों पे विसंबून यानी मुअस्सिर मत रहो, धनु को देखो, धनु मतलब कौन, धनंजय, धनंजय अपनी काम, अपने काम खुद ही करता है, इसलिए उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास निर्माण होता है, इसलिए धनंजय इतना होशियार है। तुम भी अपने काम खुद से करना सीखो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, तुम्हें भी अपने क्षमताओं के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आजी कहती है कि चलो मैं तुम्हारी प्रकल्प पूरा करने में मदद करती हूं। नेक्स्ट पे आएगा। संध्याकाळी धनंजय खेळून आला तेव्हा त्याला खूप नवल वाटले, कारण दिशा तिचा प्रकल्प पूर्ण करत होती, रात्रीच्या जेवणापर्यंत तिने आपला प्रकल्प पूर्ण केला। दिशाला स्वतःचा खूप अभिमान वाटला। दुसऱ्या दिवशी वर्गातही सर्वांनी तिच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले। शब्दात बघूया, नवल वाटणं, नवल वाटणं मतलब अनोखा लग्न, अचंबित होना। 19 अभिमान, अभिमान मतलब फक्र होना, प्राउड फील होना। 20 कौतुक, कौतुक मतलब बच्चों तारीफ करना, कौतुक करने मतलब तारीफ करना। तो इसमें भी वाक् प्रचार है, जैसे कि कौतुक करने,
इसका अगर हम वाक्य में उपयोग करें तो ऐसा बनेगा, मुलांचे यश पाहून सर्व शेजाऱ्यांनी त्या मुलांचे कौतुक केले। तो शाम का समय है, धनंजय खेलकर वापस जब घर आता है तो वो देखकर उसको नवल लगता है, उसको अचंबा होता है कि दिशा अपना प्रकल्प अकेले ही पूरा कर रही है। वो चौंक जाता है, और इतना ही नहीं, दिशा अपना प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट रात के खाने के पहले ही, रात्रीच्या जेवणाच्या अगोदर, रात के खाने के पहले ही वो मुकम्मल कर लेती है। और वो प्रोजेक्ट जब वो स्कूल ले जाती है, अपने क्लास में दिखाती है, तो सभी शिक्षक और विद्यार्थी उसके इस प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा कौतुक करते हैं, तारीफ करते हैं। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। त्याच्याच पुढच्या आठवड्यात त्यांच्या आडी रांगोळी स्पर्धेचे आयोजन केले होते। आडीतील सर्व मुले मुली त्यात सहभागी होणार होते। दिशानेही त्यात भाग घेतला होता। यापूर्वी कधीही तिने अशा स्पर्धेत पारितोषिक मिळवले नव्हते। तो आड मतलब बच्चों चाल, घर की चाल। रांगोली स्पर्धा मतलब, रांगोली तो पता है आपको, रंगोली, रंगोली बनाने का मुकाबला। स्पर्धा मतलब होता है मुकाबला, कंपटीशन। तो रांगोली बनाने की स्पर्धा उनके चाल में ऑर्गेनाइज हुई, और उस कंपटीशन में, उस स्पर्धा में, उस आड़ के, उस चाल के सभी बच्चों ने हिस्सा लिया। इसके पहले कभी भी दिशा ने ऐसे कंपटीशन में, ऐसे स्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया था, और कोई पारितोषिक यानी इनाम भी उसे नहीं मिला था। पारितोषिक 21 नंबर और पकड़, पारितोषिक मतलब इनाम। तो दिशा को अभी तक कोई इनाम भी नहीं मिला था। फिर क्या होता है देखते। धनंजय दर वर्षी रांगोळी स्पर्धेत नंबर काढायचा। आजीला जेव्हा या रांगोळी स्पर्धेबद्दल समजले तेव्हा ती दिशाला म्हणाली, तू आतापासूनच रांगोळी काढायचा सराव कर। कोणतं चित्र काढायचं ते ठरव, रंग संगतीचा विचार कर। और धनंजय यानी धनु वो भी इस कॉम्पिटिशन में, इस रांगोळी स्पर्धा में हिस्सा लिया करता था और इनाम भी हासिल किया करता था। अब आजी को जब इस स्पर्धा के बारे में पता चला तो वो दिशा को कहती है कि देखो दिशा, तुम्हें भी इस स्पर्धा में हिस्सा लेना चाहिए, और तुम्हें इस रांगोळी स्पर्धा में क्या बनाना है, कौन से चित्र काढ़ाए चाहिए, ते आतापासून ठरव। जो चित्र तुम्हें निकालना है इस कॉम्पिटिशन में वो अभी से डिसाइड कर लो, और इसमें कौन सा रंग भरना है वो भी डिसाइड कर लो। आनी सराव कर, सराव मतलब प्रैक्टिस कर। अब दिशा अपने आजी को कहती है, क्या कहती देखते हैं। दिशा आजीला म्हणाली, आजी तू मला ठिपक्यांची रांगोळी काढायला आणि त्यात रंग भरायला शिकवशील का। त्यावर आजी तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली, जरूर शिकवी, तू खूप मेहनती आहेस, तुझ्या नवनव शिकण्याची चिकाटी आहे। आला का नाही चिकाटी शब्द, आत्मविश्वास आणि चिकाटी। दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस। आ गया पाठ का नाम, तू हे करू शकतेस। दिशा अपने आजी को पूछती है कि दिशा, आजी आप मुझे ठिपक्यांची रंग, ठिपका बच्चों शब्दार्थ लिखे थे पहले, ठिपका, ठिपके मतलब होते नुकात, नुकता, नुकतों से रंगोली बनाना, रंगोली बनाना। तो दिशा कहती है, अपने आजी से पूछती है कि आजी क्या आप मुझे ठिपके की रंगोली बनाना सिखाओगे क्या। तो आजी कहती है, बिल्कुल सिखाऊंगी बेटा। क्यों, और क्यों, क्योंकि तू हे करू शक्तेस, क्योंकि तुम
ये कर सकती हो, तुम अच्छी रंगोली बना सकती हो और कंपटीशन में जीत सकती हो, यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्या होता है, दिशा नक्कीच तू हे करू शकतेस, तुला लवकरच सुंदर रांगोळी काढता येईल। आठवड्याभराच्या निरंतर सरावाने दिशामध्ये आत्मविश्वास आला, ती रांगोळी स्पर्धेसाठी सज्ज झाली। आपण बरे शब्दार्थ बघू, दरवर्षी मतलब हर साल, 23 सज्ज होणे, सज्ज होणे मतलब तयार होणं। आता सज्ज होणे हे सुद्धा एक वाक्प्रचार आहे, याच मराठीमध्ये वाक्यात उपयोग केलं तर सैनिक देशाच्या रक्षणासाठी सीमेवर सज्ज असतात, सिपाही देश की रक्षा करने के लिए सीमा पर हमेशा तैयार रहते हैं, सज्ज रहते हैं। तो आजी ने दिशा को ठिपके की रंगोली बनाना सिखा दी और दिशा भी उस रंगोली बनाने का सराव बहुत जोरों से सराव करने लगी, प्रैक्टिस करने लगी और आखिरकार उसे सुंदर, तिला सुंदर असे रंगोली काढणे जमले। आखिरकार उसे खूबसूरत रंगोली बनाना आ गया आणि तिच्यात आत्मविश्वास वाढला और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडन्स बढ़ गया आणि ती स्पर्धेसाठी सज्ज झाली और वो कॉम्पिटिशन के लिए, स्पर्धा के लिए तैयार हो गई। अब आ गया कॉम्पिटिशन का डे, मतलब स्पर्धेचा दिवस। धनंजय ने रांगोळी स्पर्धेत निसर्ग चित्र काढले, तर काहींनी फुलांची रांगोळी काढली, धान्यांची रांगोळी व मुक्त हस्त रांगोळी काढली। दिशाने ठिपक्यांची पारंपरिक पद्धतीची रांगोळी काढली। अब इस स्पर्धा में, इस कॉम्पिटिशन में पूरे चाल के बच्चे थे आणि दिशा आणि धनंजय सुद्धा या स्पर्धेत होते। धनंजय ने एक सुंदर असं निसर्ग चित्र काढलं। आता निसर्ग चित्र म्हणजे काय देखते हैं, निसर्ग चित्र। बच्चों ये एक ही शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, एक है निसर्ग, निसर्ग मतलब होता है कुदरत, और चित्र मतलब तस्वीर। जब हम दो शब्दों को मिला करके पढ़ेंगे तो निसर्ग चित्र यानी कुदरती तस्वीर। धनंजय ने एक निसर्ग चित्र बनाया रांगोळी से, बाकी बच्चों ने काहींनी फुलांची रांगोळी काढली, बाकी बच्चों ने किसी ने हाँ फूल की रंगोली बनाई, तर कोणी धान्यांची रांगोळी काढली। धान्य, धान्य मतलब बच्चों अनाज, जैसे गेहूं चावल दाल वगैरह कच्चे, ये धान्य होता है। तो किसी ने धान्य से रांगोळी बनाया, तर कोणी मुक्त हस्त रांगोळी काढली, फ्री हैंड रांगोळी। आणि दिशा ने पारंपरिक पद्धति ने ट्रेडिशनल वेसी, दिशा ने एक ठिपक्याची सुंदर असी रांगोळी काढली। आप देखते हैं कि इस कॉम्पिटिशन में, इस स्पर्धा में किसकी जीत होती है, तुम्हें क्या लगता है बच्चों किसकी जीत होगी, देखते हैं। रांगोळी स्पर्धेच्या परीक्षकांनी आपला निकाल जाहीर करताना दिशाच्या रांगोळीचे खूप कौतुक केले। दिशाला रांगोळी स्पर्धेतील पारितोषिक मिळाले। जेव्हा धनंजयने तिची रांगोळी पाहिली तेव्हा त्याला आपल्या बहिणीचा अभिमान वाटला। चलो एक बार शब्दार्थ देख लेते। 19 अभिमान, अभिमान मतलब फक्र, प्राउड। 20 कौतुक, कौतुक म्हणजे तारीफ। 21 पारितोषिक, पारितोषिक मतलब इनाम बख्शीश। तो रांगोळी स्पर्धा में बहुत से बच्चों ने, सभी बच्चों ने अपनी अपनी रांगोळी निकाल ली, बना ली। आता परीक्षक आले, परीक्षक मतलब बच्चों, परीक्षक मतलब होते हैं जज। तर स्पर्धेतील परीक्षकांनी आता सर्व रांगोळीचे
बारकाईने परीक्षण केले आणि बघितलं की सर्वात सुंदर अशी रांगोळी दिशाची होती। त्यांनी तिचे कौतुक केले आणि तिला प्रथम पारितोषिक बहाल करण्यात आले। तो सभी जजों ने दिशा की रांगोळी देखी और सब उसकी तारीफ करने लगे और उन्होंने उसे पहला इनाम दिया। धनंजय जब अपनी बहन की रांगोळी देखता है तो उसे भी अपनी बहन के ऊपर अभिमान होता है, फक्र होता है। अब ये पहला कॉम्पिटिशन था दिशा का जिसमें उसे इनाम भी मिला और धनंजय हार गया। अब देखते हैं क्या होता है। घरी आल्यावर तो दिशाला म्हणाला, मला शिकवशील का ठिपक्यांची रांगोळी काढायला। अब बच्चों आया ऊट पहाड़ के नीचे। धनंजय अपनी बहन को पूछता है कि तू मुझे ठिपके की रांगोळी बनाना सिखाएंगी क्या। अब उसको दूसरे की मदद की जरूरत पड़ गई। फिर दिशा क्या कहती है वो देखते। दिशा हसन मनाई, दिशा मुस्कुरा के कहने लगी, क्या कहती है? हो जरूर शिकवीन, हाँ बिल्कुल सिखाऊंगी, पण लेकिन त्या बदल्यात तू मला काय देणार, त्या बदल्यात तू मला काय देणार। ठीक है मैं तुम्हें रांगोळी बनाना सिखा दूंगी लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। धनंजयला स्वतःची चूक जाणवली तो म्हणाला, दिशा मला माफ कर, मला समजलं आहे ज्यांना माझ्या मदतीची गरज पडायची त्यांचा मी सतत फायदा घेत होतो, यापुढे मी कधीही असं वागणार नाही आणि सगळ्यांना मदत करीन। अब धनंजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो अपनी बहन को कहता है कि दिशा मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं कोई भी अपेक्षा किए बगैर, कोई भी तवक्को किए बगैर मैं दूसरों की मदद करूंगा। त्याचे हे बोलणे ऐकून दिशा आनंदी, और दिशा को अपने भाई का ये कहना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुई, तिला खूब आनंद झाला। त्या दोघांचे हे बोलणे ऐकणाऱ्या आजीने आनंदाने आपल्या दोन्ही नातवंडांना कवेत घेतले। नातवंड मतलब पोते, कवेत घेणे आखरी, देखिए आखरी शब्द है कवेत घेणे मतलब गले लगाना, हे सुद्धा एक वाक प्रचार आहे कवेत घेणे, याचा आपण वाक्यात उपयोग करू। आई आपल्या बाळाला कवेत घेते, माँ अपने बच्चों को गले से लगाती है। अब धनंजय और दिशा की ये बातें सुनकर आजी को भी बहुत खुश हुई आजी, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। तो इस तरह बच्चों हमें इस पाठ से ये सबक मिलता है कि अगर हमसे कोई मदद की अपेक्षा करता है, मदद चाहता है, तो हमें भी किसी भी तरह का तवक्को किए बगैर, अपेक्षा किए बगैर, उम्मीद किए बगैर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और कोई भी काम हमें आत्मविश्वास और चिकाटी से करना चाहिए, त्यामुळे हे यश नक्कीच आपले असते। तर विद्यार्थ्यांनो जर तुम्हाला माझं हे व्हिडिओ आवडलं असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल याला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा। थँक्यू।